Krishna, 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 Hare, 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, 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 Krishna.
are there. Oh, you should come back. Quickly. Where is Sai? Thank you.
Thank you, my heartfelt blessings to you. The restriction. Hare Krishna. Jai Sri Krishna. Hare Krishna. Param Pujya Swamiji, Sada Sabhi Bhakt Gana, Dharam Premium, Bhaiyam Tatha Behnam. Aaj Hamare Gaon Mein, Hamare Jile Mein, Bahut Ek अति भाग्यशाली का दिवस है कि हमारे गांव में एक संत पुरुष पवित्र भूमि भारत से मथुरा के निवासी स्वामी नारायण महाराज शिरला गुरुदेव हमारे शक पधारे हुए हैं। ये जानकर हमें बहुत अति खुशी हुई कि छोटे समय में उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और हमने बहुत ही जल्दी से एक छोटा सा हॉल हासिल कर लिया। आप सभी को यहाँ आने के लिए मैं अपनी तरफ से, सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। ना ज्यादा कहते हुए they speak in Hindi. Agyanati Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Viritam Jena Tasmai Sri Gurave Vancha Kalpatarubhyasya Kripasindhubhyai Vacha पतितानां पामनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय मैं सबसे पहले अपने परम आराध्य श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्रिय वैष्णवगण, आदरणीय यहाँ के सज्जन, माताएं और बहन और मेरी बेटियां, यथा योग्य सबका अभिवादन करता हूं। हमारे वक्ता ने पहले आपको बतलाया कि मैं पुण्य भूमि भारत से वृंदावन और मथुरा से यहां आया हूं। मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान
विशेष करके सनातन धर्म के संबंध में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े शहरों में और इसके बाद में विश्व के जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, प्रधान राष्ट्र हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के कुछ संबंध में बोलूं। इसके पहले मैं यूरोप के और अमेरिका के बहुत से देशों में मैं गया। ये करीब मेरी चौथी विश्व की यात्रा है। अभी फिजी से हम लोग प्रचार करके लौटे। हम लोग अभी पर्थ जा रहे थे, वहां का प्रोग्राम था, तो यहाँ के सज्जनों ने हमें अनुरोध किया कि एक दिन कम से कम कुछ मिनट के लिए ही सभा में कुछ बोलने का कष्ट करेंगे। इसलिए समय कम रहने पर भी मैं थोड़ा सा कुछ इसके संबंध में बतलाऊंगा। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, केवल मनुष्य ही नहीं, हम तो मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी जानवर, यहां तक कि पेड़ और पौधे, चींटियां कृमि और कीट, सभी लोग सुख चाहते हैं। इन होल वर्ल्ड ऑल द लिविंग एंटिटी वांट हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, चाहते तो हैं। इसके लिए अनादि काल से प्रयत्न करते हैं जब हम सुखी और शांति से रहें, हमारा दुख दूर हो जाए। इसके लिए हम आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, तरह तरह के विचित्र चमत्कारी इन्वेंशन किए हैं, आविष्कार किए हैं, रसोई घर से लेकर जहाज युद्धों के लिए तक कितने प्रकार के इन्वेंशन हुए हैं, इसका कोई हद नहीं। विशेष करके इसी सुख और शांति के लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आवागमन इत्यादि के लिए बहुत उन्नति हुई। हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर में कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। अभी अमेरिका में क्रिकेट कोई खेल हो रहा है, उसका पूरा संवाद हम फील्ड में कैसे, कौन कैसे प्लेयर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर घर बैठे हुए देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अथवा ब्रिटेन के, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, हम अपने घरों में सोए हुए बैठ करके देख सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठे और फोन के साथ में विचार करके बातचीत कर सकते हैं, मिनटों में ये सब हो जाए। किसी की आंख नष्ट हो गई है, अभी जो मर रहा हो उसकी आंख लगा देते हैं, नहीं हो जाती है। किसी का खोपड़ी खराब हो गई है, दूसरे की खोपड़ी नहीं या तो बंदर की खोपड़ी भी लेकर के लगा लेंगे, हार्ट लगा देंगे, बदल देते हैं। आजकल बड़ी बड़ी सुंदर मार्मिक आविष्कार हुए। औरतों को चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, मसाला पीसने की जरूरत नहीं है, स्विच दबा दिया, बस भोजन तैयार आपके सामने आ गया, डाइनिंग रूम आ गया, बाथरूम आ गया, जैसे जैसे चाहो वैसे। आजकल कंप्यूटर का युग, कितने कितने कंप्यूटर के द्वारा कार्य हो रहे हैं, ये विज्ञान की चमत्कारिता है। ये सुखी होने के लिए हमारे लिए बनाया गया
किंतु जरा विचार कीजिए, खूब अच्छी तरह से विचार कीजिए, आर वी हैप्पी? क्या हम लोग इसी से सुखी हो गए? सो मैंने धन समझा मार्वलस एंड मार्वलस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. इन ए मोमेंट यू कैन हियर फ्रॉम अमेरिका व्हाट इज अपोजिट फ्रॉम हियर. Perhaps it is going to be morning there, and it is going to be night here. You can emanate, hear all these things and do. In some hours you can travel in whole world. इसलिए जगत एक मुट्ठी में हो गया है. कलकत्ते में, बड़े बड़े शहरों में हमने देखा, बम्बई इत्यादि में लोगों की इतनी रेल फेल है, चलने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है. देयर इज सो मच क्राउड इन कलकत्ता एंड बॉम्बे एंड न्यूयॉर्क इन कोपेनहेगन ऑल टाइम्स. किंतु बात क्या, एक आदमी गिर जाए तो उसको उठाने वाला नहीं, सहानुभूति करने वाला नहीं. इस विज्ञान ने सब उन्नति करके सब कुछ बनाया, किंतु प्रेम करना एकदम समाप्त कर दिया. स्त्री और पति में वो पहला प्रेम नहीं है जो आज से कुछ दिन पहले हुआ करता था. आज भाई और भाई में उतना प्रेम नहीं है जो पहले हुआ करता था. दिस विज्ञान हैज बीन सो मच इन्फॉर्म्स science, but it created a very big problem. What problem? Problem. It has taken love and affection from all hearts. हम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकते, हम अपने पति पर विश्वास नहीं करेंगे, कुत्ते पर विश्वास कर सकते हैं, कुत्ते को लेकर के घूमेंगे, घर के लोगों पर विश्वास नहीं. न जाने कब हमारी स्त्री हमको छोड़ करके दूसरे के पास में चली जाए. डाइवोर्स तो एकदम जैसे पशुओं का होता है, इस प्रकार से होने लगा. बच्चों का जीवन नष्ट होने लगा, हृदय में दया नहीं रही, करुणा नहीं रही, लोगों से प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं रहा. आज यही युग की समस्या है. This is the problem of this age. Scientist has made it. Now computer is coming. और नहीं जानते हैं कि वो कब क्या गलत खबर देकर के जगत को ध्वंस कर देगा मिनटों में. अभी विचार हो रहा है कि कंप्यूटर क्या करेगा कुछ दिनों में. What computer will do? It is a very big problem coming in this world. So, इसलिए सुख के लिए तो हम लोगों ने सब किया है, किंतु सुख तो मिला नहीं. ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ जैसे हमारी बुढ़ापा रुक जाए, हमारा मरण रुक जाए, मरना हमारा बंद हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए. अभी कैंसर की तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है. ऐसे नए नए रोग उत्पन्न होते हैं. जितने ही प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए हम सुखी बनना चाहते हैं, उसी डर के लिए हम एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नामक कितना बम बनाया, एक दूसरे को ध्वंस करके हम सुखी रहे. We have discovered so many bombs. Why? We want to finish all for our own happiness. ये स्वार्थ. इसलिए जगत में ये समस्या है कि कैसे हम सुखी हो सकते हैं. एक उपाय है, मैं उसी के संबंध में थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं. वो क्या, सबसे पहले इस चीज को समझिए. एट फर्स्ट यू शुड नो दैट आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी.
हम शरीर नहीं है, इस चीज को समझो। सनातन धर्म क्या है, इस चीज को समझना चाहिए। सनातन धर्म, सनातन माने कोई न्यू चीज नहीं, देयर इज नथिंग न्यू। भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो एक समान है, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट, इट शुड बी सेम, नो चेंज, नथिंग, नो बर्थ, नो डेथ, नथिंग। इस जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ बदल जाता है। अभी आप, हम एक बच्चे को देखा, नया बच्चा, और 50 वर्ष के बाद में देखा जो बड़ा हो गया, और 100 वर्ष की उम्र में देखा जो एकदम बूढ़ा हो गया, चल नहीं पाता, और फिर और दो एक वर्षों के बाद में उसको देखेंगे जेल में, कहां चला गया, शरीर छोड़ करके कहां चला गया। जब तक मनुष्य इसके भीतर भी आत्मा को नहीं जानेगा, उसके कंट्रोल करने वाले परमात्मा को नहीं जानेगा, और उनमें क्या संबंध है इस चीज को नहीं समझेगा, नहीं समझ सकता है, वो कभी भी सुखी शांति से नहीं रह सकता, ये गारंटी है, एकदम अच्छी तरह से समझ रखिए। हम जो कुछ करते हैं, व्हाटएवर वी डू फॉर मेटेरियल थिंग्स, फॉर दिस बॉडी, but whatever you do, this body will die at once, one day, surely. ये हम मरेंगे ही, आज तक कोई भी बचा नहीं, ये भी रखे जो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए आप लोग इस विषय को जानने की चेष्टा करें जिसको विज्ञान आज तक नहीं दे सका, इसके अंदर में क्या चीज है, ये निकल जाने के बाद में ये मर जाता है। हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते, हमें सुख दुख की अनुभूति भी नहीं रहती, वो क्या चीज निकल जाती है। इसी को हमारे वैदिक ऋषियों ने इसका आविष्कार किया आज से लाखों लाखों वर्ष, और अभी तक जो इसको समझ करके आत्मा के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जीवात्मा अजर अमर है, इन सब का बनाने वाला प्रभु भी अजर अमर है, उसको कहते हैं परमात्मा या ईश्वर। हम है जीव, अभी शरीर हमने धारण किया, जब तक हम उस परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, लाख करते 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 कर रच पच जाइए, सोने की लंका बन जाएगी, तो अभी सुखी और शांति में। आप लोग ने सुना है लंका सोने की थी, रावण की हजारों स्त्रियां थी बड़ी सुंदरी, अर्थ का वैभव, अनंत वैभव था, किंतु सीता जी को चोरी करके दे आया और उसका सबंस भंस हो गया, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सका, सुखी नहीं रह सका वो लंका के बेरा में, उसको जला दिया हनुमान जी ने। इसलिए पहले आप लोगों को एक छोटी सी लघु कथा वैदिक बतला रहे हैं। एक समय महाराज जनक जी थे, बड़े ज्ञान और बहुत विद्वान, बड़े धनी, सीता जी जिनकी लड़की है, रामचंद्र जी से उनकी शादी हुई थी। महाराज जनक के दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, अनुभवी व्यक्ति रहते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग। I'm telling a story of Upanishad that you have heard the name of Maharaj Janak. He was so learned, he was brahmajnani, he was detached from all worldly things. उनके दरबार में यज्ञवल्क्य और बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो आत्मज्ञानी भगवत तत्व को जानने वाले थे वो लोग थे। एक दिन की बात है, उनके दरबार में बहुत दूर से, बहुत से जंगलों और पर्वतों को पार करते हुए एक ऋषि पहुंचे। ऋषि बड़े काले कलूठे थे, वो ऋषि बहुत काले कलूठे,
उनके पैरों में वेवाएं फटी हुई थी। वेवाएं माने मिट्टी लग जाने से, गंदे हो जाने से उसमें पैरों में पैर फट गए थे और आठों अंगों से टेढ़े थे। वंस इन द काउंसिल ऑफ महाराज जनक फ्रॉम वेरी फार अवे क्रॉसिंग सो मेनी हिल्स एंड जंगल्स फॉरेस्ट ए ऋषि केम। His eight parts were folded, so ugly, so crooked, and also so black. He came to his council, उनकी दरबार में आया। लोग उनको देखते ही, जो बड़े बड़े गंभीर विद्वान थे वो लोग भी हंसने लगे। महाराज जनक भी जो बड़े गंभीर थे, यज्ञवल्क्य ऋषि इत्यादि भी जो थे बड़े बड़े विद्वान, वो लोग भी हंसने लगे। महाराज जनक ही वाज सो ग्रेट, ही वाज सो लर्नड, बट स्टिल ही बिगन टू लॉफ, वो हंसने लगे। तो वो जो ऋषि थे वो भी अपनी लठिया टेक दी और टेक करके हंसने लगा, बड़े जोर से हो करके हंसने लगा। उसको हंसता देख करके ये लोग चकित रह गए, वो क्यों हंस रहा है। महाराज जनक फोल्डेड हिज हैंड्स एंड आस्क्ड, व्हाई यू आर, आप लोग किस लिए हंस, आप किस लिए हंस रहे, तुम लोग किस लिए हंस रहे। मैंने कहा आप बड़े निर्भीक हैं, आपको लज्जा भी नहीं आई कि इस बड़ी सभा में जहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अच्छे अच्छे कपड़े धारण करके और यहां पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े विद्वान लोग, और आप आठों अंग से टेढ़े वक्र, उनका नाम ही अष्टवक्र था, हिज नेम वाज अष्टवक्र, आप कैसे निर्भीक होकर के यहां पर चले आए। मैं लेकर चले फटे हुए वस्त्र, वस्त्र भी नहीं, केवल एंग्लो मोटी, कैसे चले आए, इसलिए आपको देख करके हम लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा आप किस लिए हंस रहे हैं। उन्होंने मैं हाय भाई हंस नहीं रहा, मैं क्या कर रहा, रो रहा हूं, शकल जरा है हंसने की किंतु मैं रो रहा, किस लिए, मैं इतने दूर से दिन, कितने दिनों में, महीनों चल करके महाराज जनक के दरबार में आया, बड़े बड़े विद्वान लोगों से कुछ ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलेगा और मैं अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा, किंतु किंतु क्या आप नहीं देख रहे हैं, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं तो क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर जितने आदमी को देख रहे हैं, मोची देख रहे हैं, जूता बनाने वाला चमार देख रहे हैं, यू नो मोची कोबला शू मेकर, कहते क्यों, तो इसलिए कि मोची को, चमार को, शू मेकर को चमड़े का ज्ञान होता है, ये काला है, सफेद है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, खराब है या अच्छा है, क्रूम लेदर है न क्या लेदर है। तो यहां के जितने बड़े बड़े यहां सब बैठे हुए हैं, ये सब मोची चमार हैं, इनको केवल चमड़े का ज्ञान है, किंतु हमारे भीतर में मेरी आत्मा कैसी है इसका तो ज्ञान नहीं, इसलिए मैं दुखी होकर के लौट रहा हूं, यहां पर मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमारा आना व्यर्थ हुआ। आई केम हियर टू लर्न सम ब्रह्म ज्ञान, बट आई एम सेइंग ऑल सुमेकर्स बिकॉज दे हैव मनी दे आइडिया ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ दिस leather, krum leather or fat leather, so all are like that, they have no knowledge at all. Sun karke Maharaj Janak unke charno mein gir gaye aur unko utha karke apne singhasan par rakh karke ye aap hamare guru hain. Tatpatya kya hai, is cheez ko samjhiye,
आज हम बड़े सुंदर सुंदरी हैं, और जब दांत टूट जाएंगे, केश पक जाएंगे, गालों में झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर क्या होगा? अंतिम दशा में हमारे साथ विश्व में हमने जो कुछ कमाया है, एक कौड़ी भी नहीं जाएगी, एक केश भी साथ में नहीं जाएगा। तो तुमने क्या कमाया, क्या किया तुमने जो तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा? तुम्हारे जीवन में सुखी एक बूढ़ा बूढ़ी जो मर रहे हैं, वो जीवन में सुखी रह सकते हैं? उनको टट्टी हो रही है, उनको उल्टी हो रही है, उनको क्या क्या हो रही है, वो जीवन में सुखी कहा है? उन्होंने क्या किया? इसलिए लब्धा सुदृढ़ बहुम संभवान्ते मानुष्य मर्थदम नित्यम अपि हधीर तृणम जतेत न पतेत अनुमित प्यारे बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया। विचार करो, ये जगत का कोई भी आपके साथ में नहीं जाए, नथिंग विल गो विद यू, इवन ए हैपन गो, नथिंग नथिंग। तो किस लिए ये सफर है? व्हाई यू आर डूइंग सो? अपने सुखी के लिए, होने के लिए कुछ करो। कैसे करें उसी के लिए बतला रहे। मनुष्य जन्म लाखों लाखों जोनियों के बाद में ये मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। कुछ पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिल गया, वो भी भगवान की बड़ी कृपा से। आप अंधे नहीं है, लंगड़े नहीं है, लूले नहीं है, बड़े सुंदर सुकांत और शरीर में एनर्जी है, बल। किंतु देखो, पशु संत इस विषय में श्रेष्ठ है। शास्त्र और वेद कहते हैं सुअर गधे कुत्ते हमसे सुखी हैं, उनको अपने लड़की के शादी करने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अभी आपको अपनी लड़की की शादी देनी है, 4-5 लाख रुपए घर में तैयार रखिए। कितनी तरह के प्रॉब्लम्स है, आपको रात में नींद नहीं आएगी, पशुओं को कोई भी जरूरत नहीं। आपको वर्ष में एक बच्चा होगा, उनको होता है 16-17-18-20 बच्चे पैदा होते हैं। आपको सोने के लिए पलंग और क्या क्या चाहिए, उनको कुछ की जरूरत नहीं है। तो वो सुखियां ना हम हैं, वो भी प्राणों के लिए डरते हैं, आप भी डरते हैं। आखिर किस विषय में आप श्रेष्ठ हैं? बस एक विषय के लिए, आप सत्संग में आत्मज्ञान लाभ कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या है, जिस चीज को समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन रहते ही रहते रहते हम मर न जाए, उसके पहले ही कुछ भगवान का भजन कर लो भाई, जरूर कुछ करो। तो भगवान का एक बार नाम तो अपने जीवन में करो। उन्होंने विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब उन्होंने किए, हम लोगों ने नहीं की। हम तो चींटी का पैर भी नहीं बना सकते, और क्या बनेंगे? आत्मा को जानते नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया, जब तक जीवन है उसी के अंदर में इसको ठीक कर लो, भगवान का भजन करके चले जाओ। इसलिए सनातन धर्म किसे कहते हैं, अब थोड़ा सा एक आउटलाइन दे रहे हैं। दो अभी हम जो कुछ देख रहे हैं इस आंखों से, वो सब चीजें परिवर्तन हो जाएंगी, ध्वंस हो जाएगा। कभी विश्व का सृजन हुआ, फिर प्रलय भी होगा, इसलिए ये भी नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। हमारा शरीर भी सनातन नहीं, इसलिए शरीर से हम जो कुछ करते हैं वो सनातन नहीं है भाई। जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, कितने तरह के धर्म हैं। ये धर्म नहीं, नीतियां हैं। अभी हम मर करके मुसलमान होकर से जन्म लिया, हमारा धर्म अब नित्य रहा कहां? इसलिए ये सब नित्य नहीं है। इस जगत में दो चीज नित्य है, सनातन। पहला जीव गीता में, भागवत में, वेदों में बताया, शरीर को छोड़ने पर भी आत्मा नित्य अजर मर रहेगी। एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अभी हमारा ना जाने लाखों बार कितनी बार जन्म हुआ होगा, यह पहला जन्म नहीं है,
इस चीज को अच्छी तरह से रियलाइज कर। अब साइंटिस्ट लोग भी इसको मानने लग गए हैं, पाश्चात्य देश के लोग पहले नहीं मानते थे, अब मानने लग गए। इसलिए इसमें आत्मा आजाद अमर सनातन है, और ये सब विश्व का जो कंट्रोल करता है जिसको गॉड कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसे भगवान कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, है एक ही चीज। एक को छोड़कर के दो भगवान नहीं जगत में है, वो एक सनातन है। कुछ लोग समझते हैं कि वो सनातन परब्रह्म का कभी रूप नहीं है, निराकार है, ऐसा मत समझो। उसको देखते तो नहीं हो किंतु है वो साकार, अभी नहीं देख रहे हैं इसलिए उसको निराकार कहते हैं। यदि उसका कोई रूप नहीं रहता तो हमारा इतना रुपया रूप कैसे आ गया, कहां से आया? है वो सर्वशक्तिमान, जी ओ डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रक्टर। क्या समय हो गया जी, घड़ी हाथ लगा रखता है, हो गया। उसी तरह से जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करता है, मैया के स्थान में दूध किसने दिया, हमने दिया? हमने चावल रोटी आ गया कुछ खाया, दूध कहां से आ गया? गैया के स्तन में दूध क्यों आ गया? बूढ़ी औरत को स्तन में दूध क्यों नहीं होता? जिसको बच्चा होता है उसी को दूध क्यों होता है? बच्चा पेट में कौन खिलाता है उसका? इस दिमाग को किसने बनाया? जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि किसी मनुष्य ने, साइंटिस्ट ने नहीं, वो ब्रह्म ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसका शेप है। बट वी कैन नॉट डिफाइन हिम। एक पानी है साधारण, उसको हम देखते हैं, उसको पीते भी हैं, किंतु उसका शेप क्या है? जिस पात्र में रखो उसी का हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि वाटर हैज नो शेप, वाटर हैज नो कलर, वाटर हैज नो टेस्ट, किंतु है सभी कुछ। जब पानी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो भगवान को क्या डिफाइन कर? भगवान कितने रूप में है? लाखों रूपों में। इन्हें भगवान का रूप है ऐसा समझे? यदि रूप नहीं है तो उसमें दया नहीं रहेगी, तो निष्ठुर भगवान को मानने की जरूरत क्या है? बाइबल में भी इसको बाइबल पे मानने वाले लोग नहीं मानते भगवान का रूप, किंतु बाइबल में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। इसलिए उन लोगों के भी शास्त्र में ऐसा आया जो भगवान ने अपने रूप के समान नहीं बनाया। मुसलमान लोग भी रूप नहीं मानते, किंतु उनके भी शास्त्र में लिखा है कुरान में इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, अल्लाह खुदा ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया। तो जब उसका रूप नहीं है तो हमारा रूप कैसे बनाया? हाउ गॉड क्रिएटेड मैन अपन हिज ओन इमेज इफ ही हैज नो इमेज एट ऑल, तो उनको लड़का कैसे हो गया? कौन लड़का? जीसस क्राइस्ट उनको पुत्र, और जब पुत्र का रूप है तो उनका रूप नहीं रहेगा। यदि किसी के दूत का मोहम्मद साहब का रूप है तो उस मालिक को रूप नहीं होगा, इसलिए भगवान का रूप है ने? जैसे आग यहां भी है जला दो दिखाई पड़ेगी, ऐसे साधन के द्वारा वो ब्रह्म और भगवान हमारा दिखाई पड़ता है। इसलिए उसमें गुण है, बड़ा दयालु है, सर्वशक्तिमान है, हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। जिसको आकार नहीं है वो तो नहीं सुन सकता, उसको दया नहीं होगी, किंतु हमारे भगवान में ये छोटा सा देखने में भी, ये कृष्ण समस्त ईश्वरों का ईश्वर है। वेदों में, उपनिषदों में सर्वत्र इसकी बात लिखी गई है। हमारे ब्रह्म तत्ता वक्ता जो जितने ऋषि लोग हैं इसका अनुभव किया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजो कुशाम
जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी ने परीक्षा करके देखा और हाथ जोड़ करके कहने लगे, यह नंद काल लड़का जो है, ये किसी का मित्र बना हुआ, किसी का सखा बना हुआ, किसी का बेटा बना हुआ है, किसी का प्रियतम बना हुआ है, ये समस्त ईश्वरों का भी ईश्वरों का ईश्वर का ईश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण समस्त कारणों का कारण है। इसलिए नंदनंदन जो राधा और कृष्ण है, इनको भगवत्ता की चरम सीमा समझिएगा, समझ करके उनकी कुछ उपासना करेंगे। यदि एक बार भी यदि जीवन में आपने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम यदि किया, बेड़ा पार हो गया। एक अजामिल महादुष्ट व्यभिचारी, जितने ऐसा कोई पाप नहीं जो जीवन में नहीं किया, ए पर्सन लाइक अजामिल who did all kinds of offenses and so many lakhs and lakhs murders. He left his wife and he was entangled with a prostitute. So many boys he murdered. He used to take wine and all these things. सब जितने दुर्गुण थे उसमें थे, किंतु एक बार अपने बेटे के लिए मरते समय में अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया। हमारे समस्त शास्त्र साक्षी हैं। यदि स्कूल कॉलेजों में लोगों के लिखे हुए पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वो प्रमाणिक है, तो क्या वजह है कि हमारे रियालाई ऋषियों ने जो पुस्तकें लिखी वो उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे? इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए। वेद हमारे सत्य, वे कभी भी मिथ्या नहीं है। पाश्चात्य लोगों ने हमारे भारतवर्ष को नीचा दिखलाने के लिए बताया ये माइथोलॉजी है, स्त्रियों के रसोई की घर की ये गप है, किंतु यथार्थ बात नहीं। उसी को अवलंबन करके आज विश्व में विमान बन रहे हैं, कितने साइंटिस्ट उन्नति हो, जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मेटेरियल उन्नति जो कि आत्मिक उन्नति नहीं है। इसलिए हम लोग वेदों पर शास्त्रों पर विश्वास करके इस विचार को देखेंगे कि एक जीवात्मा का उस प्रभु से जो संबंध है ये सनातन है। जीवात्मा शरीर को छोड़ देगी किंतु उसका जो स्वरूप है वह नहीं बदलेगा। इसलिए एक नित्य जो जीवात्मा है उसके साथ में हमारे प्रभु का क्या संबंध है, वो है प्रेम, वो प्रेम ही वो। इसलिए जगत का एकमात्र धर्म है प्रेम प्यार। अभी हम भगवान को भूल जाने के वजह से हमारे लाखों लाखों जन्म हो रहे हैं, हमें काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरता तरह तरह के ये सब दुर्गुण भर रहे हैं। यदि हम भगवान का भजन करेंगे, अधिक भी नहीं कह करके एक बार भी जीवन में सवेरे शाम को यदि उच्चारण करें भगवान का नाम, विशेष करके कलयुग में आप देख करके परीक्षा करके देख सकते हैं, आप 10 दिन करके देखिए तो परिणाम आपका चित्त ही बदल जाएगा, आपके हृदय में दया आएगी, दूसरों के दुखियों की मदद करने लग जाएंगे, आप जो कुछ कहेंगे वो सत्य होने लग जाएगा। धीरे 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 आप भगवान की तरफ में बढ़ेंगे, जन्म मरण से भी पार करके बहुत सहज सहज रूप में आप इस जगत के दुखों से दूर हो सकते हैं। इसी का नाम सनातन धर्म है। एक शुद्ध जीवात्मा का शुद्ध परमात्मा से जो संबंध होता है, इसी को कहते हैं प्रेम। यदि वो हो जाएगा तो आप जगत के समस्त लोगों से प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे, एक घास को भी बिना कारण नहीं काटेंगे। जीवों की तो बात क्या है। इसलिए मैं, समय हो गया है करीब करीब 9 बजने जा रहे हैं, इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग का एकमात्र धर्म केवल नाम है, भगवान नाम। द रिलीजन, वन रिलीजन ऑफ होल जीवात्मा इज वन, व्हाट, कृष्ण प्रेम, एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय ओनली हरि नाम इन कलयुग।
कलयुग केवल नाम आधार है। आप ध्यान नहीं लगा सकते कलयुग में, माइंड को स्थिर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान संभव नहीं। यज्ञ करेंगे, यज्ञ का कराने वाला कोई योग्य आदमी नहीं मिलेगा। आजकल तो स्वार्थी लोग हो गए हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, आपको शुद्ध घी नहीं मिलेगा, इन्हें यज्ञ नहीं हो सकता। अर्चन करेंगे, कलयुग में अर्चन भी संभव नहीं है। इन कलयुग अर्चन इज ऑल्सो हैव सो मेनी प्रॉब्लम, अर्चन भी संभव नहीं है। इसलिए केवल एक है, केवल हरि नाम, बिना पैसे का। दिन में, रात में, सवेरे शाम बेडिंग पर पड़े हुए टट्टी भी हो रही है, कोई भी बात नहीं, आप भगवान का नाम कर सकते हैं। एक छोटा सा लघु कथा कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक तेली था, तेली मीन्स तेल फेरने वाला, बनाने वाला। वो दिन भर तेल निकालता था, उसको समय नहीं थी, he has no time to utter हरि नाम, उनको समय नहीं था भगवान का नाम। एक दिन नारद जी से भेंट हो गई, नारद जी ने कहा कि तू भगवान का नाम करके सहजी भाव सागर को पार कर जा और जीवन में सुखी रहो, अगले जीवन में भी सुखी रहो। उन्हें कहा कि हमें समय नहीं है, अतः जब तू टट्टी करने जाता है तो तुम क्या करता है, तो कुछ नहीं, तो उस समय भी कर, तो ठीक है मैं करूंगा, बस अपना काम समाप्त करके रात में वो टट्टी करने जा रहा था और टट्टी करते हुए हरे राम राम करने लगा। हनुमान जी का नियम है कि जहां पर हरि नाम कोई करेगा जरूर जाकर के सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से। हनुमान वहां पर पहुंच गया और देखा जी ये टट्टी करते हुए अपवित्र होकर के भगवान का नाम कर, उन्होंने ढा एक बात उसे बड़ी जोर से मारा। अंडरस्टैंड, वंस there was a low caste of person, he had no time to chant name. Nara told him that if you can chant even in any time during passing, told, oh, I can do it. And one day he went there and he, at the time of passing tool, he began to chant Ram, Ram, Ram. Hanuman came at once and he saw that he is so impure and he began to kick, very big powerful kick. उन्होंने बड़ी जोर से मारा। हनुमान जी इतने बलवान हैं, बजरंग जी, कि उन्होंने रावण को मारा तो रावण गिर गया, कुंभकर्ण गिर गया, किंतु ये इस एक दुर्बल व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान if kicked Raman, he fell down. But this person, very weak, lean and thin person, was sitting easily and chanting Ram Ram, Ram Ram kar Ram. Hanuman ne kaha ji bhai, ye kya baat hai? Maine jisko mara wo to mar gaya, pachumar nikal gayi, aur ye mara nahi. Why he has not dead? He went to in the night. वो चले गए रामचंद्र जी के भवन में जहां सेवा करते थे। इन द नाइट ही वेंट टू द पैलेस ऑफ राम, वहां पर रामचंद्र जी कराह रहे थे, ऊह आह कर रहे। हनुमान जी गए, पूछा जैसे प्रभु आप किस लिए करा रहे हैं, कहीं कहीं चोट लगी, क्या हुआ? तो आप तुमने ही मारा, पूछ रहे हो जे क्या हुआ, तो हमने कब मारा? हे टोल राम, फाइन यू वर suffering. You have kicked me and now you are asking me that why you are doing so. मैंने कभी नहीं मारा। अरे जो तुम नाम कर रहा था वो व्यक्ति टट्टी करते हुए, उस समय तो राम और राम नाम में कोई अंतर नहीं, मैं ही तो खुद वहां पर था, इसलिए वो जो चोट लगी हमारे पीठ पर लगी, हमारे कमर में लगी, हमारी कमर टेढ़ी हो गई। That kick was on me, Ram told.
because naam and nami are same thing. No difference at all. नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, विशेष करके कलयुग में। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जब कभी भी आप नाम करेंगे, जब कभी सुख फुर्सत हो या पर बिस्तर पर लेटे हुए, तभी कल्याण होगा। यही कलयुग का सनातन धर्म है। और लोगों को तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, कलयुग में परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये एक थ्योरी है, अजमाई हुई चीज है, परीक्षित चीज है। इसलिए आप लोग से विशेष निवेदन है, विशेष करके जो आप लोग भारत के प्रवासी हैं, आपके पूर्वज लोग किसी कारण से इन देशों में आए कुछ धन कमाने के लिए, किंतु अपना धर्म ठीक रखना चाहिए। इसलिए अपने विचारों को, धर्म को ठीक रखते हुए भगवान का नाम करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, स्त्री और पति दोनों एक साथ में प्रीति पूर्वक रहेंगे, पश्चात देश जैसा जय घोष मत करेंगे, नहीं तो आपके भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। इस तरह से रह करके सनातन धर्म में प्रतिष्ठित रह करके सर्व सहजीवन जीवन में सुखी और शांति हुई है। यही हमारा प्रचार का विषय है। संक्षेप में दो चार शब्द में हमने बतलाया। आज ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अभी कीर्तन के बाद में हम लोग आरती करके अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। कल सवेरे हमको 4 बजे 3 बजे उठ करके जाना है, इसलिए संक्षेप में मैंने कुछ दो चार शब्द बताया। यदि भविष्य में हमें समय मिलेगा, हम जब फिर आएंगे तो यहाँ पर आकर के भागवत आप लोगों को सुनाएंगे, जैसे बड़ी सुंदर सुंदर चीजें हैं, आप लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गौर प्रमाण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
Thank you.
Qantas. Domestic airport, Qantas, leaving at 6 o'clock. I know, that was... Give it up to the Ryan, the show,